जो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उससे मैंने कहा था, बताया था कि चाय के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स, उसके अंदर मैंने फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या होते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसकी। सबसे पहले हम फ्लेवोनॉइड्स के बारे में देख लेते हैं, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स ये वो फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। जो भी प्लांट से हासिल होता है ना, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड मौजूद है। फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अनियंस, टोमेटोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, बेरीज, सेलरी, पार्सले, रेड पेपर, ऑरेंजेस, एग प्लांट, कैबेज और हजारों प्लांट्स, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जिसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट प्लांट प्रोडक्ट है, जैसे कि टी है, चाय भी प्लांट से हासिल होती है, वाइन है जो कि ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से हासिल होता है, अंगूरों की फर्मेंटेशन से हासिल होती है वाइन, और चॉकलेट, ये सारी चीज़ें प्लांट से ही हासिल होती हैं। तो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये आपके प्लांट्स, ये वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और ये जो टी है, वाइन है, और ऐसी टी भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि फ्लेवर्ड होती है टी, उसके अंदर ये फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं। जैसे फ्लेवर टी है, वो मुख्तलिफ फ्लेवर टी, जैसे मैं उसमें मैंने बताया था अपनी, मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें था कि चाय को अपनी मेडिसिन बनाएं, चाय को अपनी मेडिसिन बनाएं, उसके अंदर मैंने कहा था कि आप जिंजर डाल लें, कभी अदरक डाल लें, छोटा सा टुकड़ा चाय के अंदर दूध में डाल के पका लें और फिर चाय बना लें उससे, तो उसका बड़ा अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट है अदरक। अदरक जो है सूजन को खत्म करती है बॉडी से। फिर लौंग कभी डाल लें, कभी छोटी इलायची का पाउडर डाल लें। तो ये चीज़ें आप अपने दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं, तो सबसे अच्छा जो टेस्ट डेवलप होता है वो छोटी इलायची का पाउडर से बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, जिंजर से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फ्लेवर्ड होते हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि चाय में, इसके अलावा और बहुत सी चाय मार्केट में का अवेलेबल हैं जो कि फ्लेवर्ड हैं, फ्लेवोनॉइड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अब है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है? एंटी का मतलब है कि वो एंटी करते हैं ऑक्सीडेंट्स की। ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशन जो है ना, एक प्रोसेस है जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बॉडी में, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाए ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, जब ऑक्सीडेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो मैं आपको बाद में मेरे वीडियो में बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को एंटी करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो वाइटामिन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन जो है ना प्रोसेस, वो अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में हो तो वो फ्री रेडिकल्स पैदा करती है, और फ्री रेडिकल्स जो है वो कैंसर और हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज और डिफरेंट किस्म की डिजीजेज जो है वो फ्री रेडिकल्स फिर कॉज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो जब हम खाते हैं, किस सूरत में हमें मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट? जब हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, तो इससे हमें, या हम कोई ऐसी चाय पीते हैं जो कि फ्लेवर्ड टी है, चाय के अंदर अदरक है, चाय के अंदर लौंग आपने डाली हुई है, चाय के अंदर आपने छोटी इलायची का जो पाउडर है या छोटी इलायची आपने डाली हुई है, ये लौंग डालें, तो ये चीज़ें डाली अगर आपने, या फ्लेवर्ड कोई और टी है मार्केट से आपने खरीदी है और आपने वो ले रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, हमें कैंसर होने से बचाते हैं, हार्ट डिजीजेज हैं और मुख्तलिफ किस्म के हजारों डिजीजेज बॉडी में हैं, उससे ये एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि फल खाना बहुत ज़रूरी होता है, वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, एज कम्पेयर टू आप मीट खाएं। अब जैसे आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड आपको सबसे पहले जो अवॉइड करना है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स में मैं एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट का बताऊंगी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसमें राइस आ जाता है, ठीक है, लेकिन राइस जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइस तो जो कि एथलीट्स होते हैं जो कि बहुत
जिनको एकदम एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको कहते हैं कि आप चावल खा लें। ठीक है, चावल जो है एक पेशेंट को भी दिए जाते हैं जो कि बीमार हो, उसको भी चावल दिए जाते हैं क्योंकि वो फौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं चावल, राइस जो है, और वो मोटापा भी इतना नहीं होता, लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे फैटिंग भी नहीं होता चावल। तो बहुत से मुल्कों में तो सिर्फ राइस ही खाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मोटे नहीं होते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो जो राइस है ना, राइस एक कार्बोहाइड्रेट है, चावल एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो आपको फैटनिंग नहीं करते बल्कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी। तो जो लोग बीमार हो उनको रेकमेंड करते हैं कि वो चावल खा ले, किन्हीं का पेट खराब है तो आप कहते हैं चावल खा ले। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी आप चावलों के अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होते। ठीक है, तो आप चावलों को फॉर द टाइम बीइंग, फॉर किसी इलनेस की वजह से आपको फॉरन एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आप खा लें, लेकिन आप ये मत समझे कि चावलों के अंदर विटामिन्स मौजूद हैं, चावलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। नहीं, चावल आपको वैसे इंस्टेंट एनर्जी देगा, लेकिन चावल के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह शुगर के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए नहीं जाते। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे है प्रोसेस्ड मीट। ऐसा मीट जो कि मार्केट में प्रोसेस है, यानी कि बना बनाया, जैसे सॉसेजेस हैं, बेकन का मीट मिलता है, सॉसेजेस हैं वो हैं, और डिफरेंट जो कि पक्के पकाए कबाब होते हैं, सीख कबाब, डिफरेंट शामी कबाब वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उससे भी आप अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं उसके मतलब प्रोवाइड नहीं करते, और वो फ्री रेडिकल, जब आप इस तरह का प्रोसेस मीट खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में पैदा करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है रेड मीट। रेड मीट के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। अब आयरन की ज्यादती, आयरन की जो एक्सेस है बॉडी में, वो नुकसानदेह है बहुत ज्यादा, और आयरन की कमी भी जो है ना बॉडी में, वो भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो रेड मीट जो है उसको आप कम करें। इसी तरह डोंट रीयूज ऑयल्स ऑफ रेड मीट में जो है वो रेड मीट जो है वो बकरे का भी गोश्त होता है, रेड मीट जो है वो गाय का भी है, लेकिन बकरे के गोश्त को आप खा सकते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू जो काओ का जो मीट होता है, काओ को कहते हैं ना कि काओ वो गाय के रोग, गाय के गोश्त में रोग है, रोग का मतलब है बीमारी है, तो गाय के गोश्त को आप अवॉइड करें बहुत। कभी कभी चलो इंसान खा लिया, लेकिन वैसे आप गाय का गोश्त मत खाएं, क्योंकि गाय का को अल्लाह ने दूध के लिए कहा है कि वो अच्छी है, लेकिन अगर आप उसका गोश्त खाएंगे तो वो ऐसी गाय जो है वो नुकसान दे, उसके गोश्त में रोग है, वो बीमारी लेकर आता है गोश्त। डोंट री यूज ऑयल्स, ऑयल्स को बार बार पका पका के मत खाएं। फास्ट फूड जो है, बर्गर्स, पिज्जाज वगैरह, सब में जो ऑयल इस्तेमाल होता है, लोग पकाते रहते हैं, ज्यादा रीहीट करते हैं, बार बार उसको गर्म करते हैं, उससे क्या होता है फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ग्रीस पैदा हो जाती है, और वो ऑयल सारा खराब हो जाता है। लिमिट अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या है? वाइन है, यानी कि शराब। ठीक है, अल्कोहल को कहते हैं शराब, जो अब वाइन उसको भी आप लिमिट कर लें, क्योंकि जाहिर बात है कि जो वाइन है उसके अंदर वाइटामिन तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, इसका कंक्लूड ये किया इस वीडियो का कि वॉट टू ईट, आपने क्या करना है, विटामिन्स खाने हैं, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, विटामिन सी है, ए है, ई और के, या आपने रोज के कभी विटामिन सी वाला खा लिया, कभी ए खा लिया, कभी ई वाला विटामिन खा लिया, कभी ए खा के खा लिया, इस तरह के विटामिन्स आप रोज के अपनी रोज की खुराक में आप ये इस्तेमाल करें। और एक रिकमेंडेशन है आपको, कंक्लूड करेंगे कि टेक टाइम फॉर फ्रूट एंड टी, टेक टाइम फॉर फ्रूट्स एंड टी, जब आप फ्रूट खाने बैठें या आप चाय पीने बैठें तो आप एक टाइम अपने आप को रिलैक्स करें, उसके साथ फिर आप चाय पिएं या फ्रूट्स खाएं, तो आप देखें कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। चाय भी भागते दौड़ते आपने ना चाय पीनी है ना फ्रूट्स खाने हैं, कि आप काम भी कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और आप चाय भी पी रहे हैं साथ साथ फ्रूट्स भी खा रहे हैं, नहीं, फ्रूट्स खाने हैं आपने या आपने चाय पीनी है, सुबह की चाय, दोपहर को चाय लोग पीते हैं कुछ लोग, सुबह शाम की चाय जो है वो आपने एक जगह पे बैठ के चाय को एंजॉय करें, गरम चाय पिए, उसके लिए टाइम अपना स्पेंड करें, टेक टाइम फॉर फ्रूट्स एंड टी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अच्छे टॉपिक के साथ मैं
उसमें हो सकता है मैं फ्री रेडिकल्स के बारे में करूँ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी प्रोबेबली वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।